जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डॉक्टर कैलाश वर्मा जी को यहाँ से टिकट मिल चुका है, तो क्या क्या तैयारियाँ उन्होंने कर ली हैं कि पुरानी गलतियाँ ना दोहराई जाए? नहीं, ऐसी कोई गलतियाँ नहीं है और सारे कार्यकर्ता एक साथ हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हजारों वोटों से चुनाव जीतेंगे। एक बार पहले भी जनता ने उनको जनसेवक के रूप में चुना था, लेकिन उनको फिर जीत हासिल नहीं हुई थी। उसके बाद में गंगा देवी जी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी रही और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया, तो ऐसे में आपको क्या कहना है कि इस बार जनता पूरे दिल से डॉक्टर साहब के साथ रहेगी? गंगा देवी ने ऐसा कोई काम नहीं किया, गंगा देवी का भारी विरोध है और आज भी दूदू में गंगा देवी के खिलाफ नारे लगे हैं और कार्यकर्ताओं में गंगा देवी के प्रति भारी रोष है और कैलाश जी वर्मा के प्रति लोगों में बहुत स्नेह और उत्साह है। उत्साह जी सारे कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं, जगतपुरा से लेकर बगरू, मुआणा, नेवटा, खटवाड़ा, जैसिंहपुरा, पावाड़ा, इन सब गांवों के अंदर बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे कैलाश जी वर्मा। तो ऐसी कौन सी नीतियाँ इस बार आप अपनाना जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी जो जीत है वो सुनिश्चित है? हमारी जीत निश्चित ऐसे है, बीसलपुर के पानी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और लगभग 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार ने जब बीजेपी की सरकार जब सैंक्शन किया था उसको इन्होंने कचरे में डाल दिया और जनता को आस है कि भारतीय जनता पार्टी हमको बीसलपुर का पानी पिला सकती है। 33 गांव ग्राम पंचायतें हैं बगरू विधानसभा में, उनमें आज तक बीसलपुर का पानी नहीं गया और रोडों का काम इन्होंने कराया नहीं, विकास के काम ठप पड़े हैं और ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता खुश है। उनका खुद का ही विरोध है, वो खुद ही फुट अब बलो रहे हैं, हम तो हजारों वोटों से चुनाव जीतेंगे। जिस बीसलपुर के बारे में आप कह रहे हैं, कल भी हमारी बात यहाँ के कुछ गांव वालों से हुई थी तो उन्होंने हमें बताया था कि गंगा देवी जी ने इसके लिए जो योजनाएं हैं उसको आगे करते हुए काफ़ी काम किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, कॉलेजेस बनवाए हैं और उन्हीं का पूर्ण समर्थन रहा है, जो भी विकास कार्य इस क्षेत्र में हुआ उन्हीं की वजह से हुआ। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया बीसलपुर के पानी पर, उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई और कोई काम नहीं किया। पुरानी भारतीय जनता पार्टी की योजना थी, उन्हीं योजनाओं पर उसने काम करने की कोशिश भी नहीं करी और जो सरकारी अस्पताल थे उन अस्पतालों की बेहाल है। कल ही मैं बबरू गया था, वहाँ के अस्पताल के पंखे खोल लिए गए, वहाँ पे जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट थे वो वहाँ से हटा दिए गए और काफ़ी सुविधाएं वहाँ असुविधाएँ हो रही है, जनता काफ़ी परेशान है और हमारे साथ कैलाश जी वर्मा के साथ जहाँ भी जा रहे हैं हजारों की तादाद में हुजूम उमड़ रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है, भारी मतों से हम चुनाव जीतेंगे।